हाय दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है x=0। ये बोल रहा है कि x=0 रखना है, कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखना है। तो ऊपर क्वेश्चन बता ले रहे हैं, 5x-4x² + 3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 रखना है। x=0 यानी 5×0-4×0² यहाँ पे स्क्वायर दिया ना एक्स पे, इसलिए स्क्वायर लगा दिए। प्लस थ्री हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 में 0 में इंटू करेंगे यानी 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, +3। अब क्या होगा, 0 इसमें इंटू करेंगे 0 होगा ये भी, +3 = 3 हो जाएगा। यानी कितना गया मान इसका, 3 आ गया। ठीक है, अब क्या रखना है, x=-1 किस में रखना है, 5x-4x² + 3 इस समीकरण में x=-1 रखना है। तो 5×-1-4×-1² + 3 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना होगा, 5। 5 में और -1 में गुणा करेंगे, -5 हो जाएगा, फिर -4 का गुणा -1 में, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो प्लस में होगा क्योंकि इसका जो घात है प्लस में है। ठीक है, तो क्या होगा, 4×1 = 4 + 4, ये माइनस था तो माइनस कर दिए हैं, +3। ठीक है, अब क्या करेंगे, -+ हो जाएगा, यानी छोड़ देता है ऐसे कीजिए, तब भी -+ - यानी 4 में से 3 जाए 1, यानी -1 होगा क्योंकि ये बड़ा साइन है। बराबर क्या होगा, -+ +5 = 6, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 सही है ना, इसका आएगा -6। दूसरा भी आ गया, अब तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, उसी का तीसरा, पहले का तीसरा। अब x=2 रखना है, समीकरण क्या है, 5x-4x² + 3, इसमें हमको x=2 रखना है, 5×2-4×2² + 3, +3 हो जाएगा। फिर इंटू करेंगे, 5×2 = 5, 2×9 = 10, -4×4 = 4, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2×2 = 4, +3 = 10, -4×2 = 16, बुरा होगा, 16 + 3 = 16, 10 16 में से 3 जाए कितना होगा, 13, -13 क्योंकि ये साइन बड़ा है। ठीक है, बराबर कितना होगा, 3 - 3 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, -3। या इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, -3 होगा इसका, -3, 2×2 = 4, 2×2 = 4, -3। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे ऐसे करना है हमको सिर्फ, यानी इस समीकरण में पहले 0 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 0 रखेंगे, फिर y 0 निकल जाएगा, फिर 1 रखेंगे
फिर टू रखेंगे हम, पहले रखेंगे जीरो यानी पी जीरो, पी जीरो तो क्या होगा, पी जीरो तो वाई की जगह क्या है जीरो, यानी जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन एक, यानी जीरो का जीरो माइनस जीरो प्लस वन, यानी क्या होगा इसका वन, यानी पी जीरो का मान वन आएगा। ठीक है, पी जीरो का मान वन आएगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पी जीरो हो गया ना, वन हो गया, अब पी वन रखेंगे, पी वन पी वन रखेंगे। ठीक है, पी वन रखेंगे यहाँ पर ना, पी वन रखेंगे तो समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, यही है ना, वाई स्क्वायर